गुड इवनिंग गाइस। कल का जो असाइनमेंट था, दो असाइनमेंट थी अपने, राइट? मैंने कुछ दिया था आपको, एक चैतन्य नेम से आपको ऑकरेंसेस ढूंढने थे, एंड देन सेकंड वन इज ईमेल एड्रेस से डोमेन फाइंड आउट करना था। तो इसका आंसर मिला सब लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट, इसका आंसर मिला क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई तो बोलो। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके, सो व्हाट अबाउट यस्टरडेज? दो जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उसके रिगार्डिंग कुछ किया है आप लोगों ने? कुछ ट्राई किया है उसको? नहीं किया है? नो सर। ओके, तो ट्राई करो उसको। इफ यू फेसिंग एनी इश्यू यू कैन आस्क। और सेकंड जो असाइनमेंट प्रोवाइड किया है उसको देखा है किसी ने? सेकंड असाइनमेंट उसमें उसको कुछ ट्राई आउट किया है कि नहीं किया अभी तक? स्टार्ट किया सर, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। ओके, ठीक है, फाइन। उसका सॉल्यूशन जो है वो मैं मोस्टली सैटरडे को पुट कर दूंगा सॉल्यूशंस, ठीक है? Okay, so we can start then. Next topic, joins. Okay, so again regarding this domain का जो मैंने आपको question दिया था, so उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं just hint दे देता हूँ। आपके पास उस particular Gmail का या particular email जो है मेरा, उसका length है ना आपके पास? अगर मैं उस पर्टिकुलर लेंथ से ये वाला जो लेंथ है rahul123@ यहाँ तक वाला जो लेंथ है इसको अगर माइनस कर दूं तो डोमेन बचेगा ना, बराबर? अनदर अल्टरनेटिव क्या कि अगर मैं इस ईमेल एड्रेस की लेंथ ले रहा हूं तो मुझे ये पता चल रहा है ना कि लास्ट नंबर कितना है। जैसे कि ये पर्टिकुलर जो मेरा ईमेल एड्रेस है इसकी अगर मैं लेंथ ले लूं तो मुझे वो बताएगा कि लास्ट जो नंबर आएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका लेंथ आया 18, तो जो लास्ट हम जो सबस्ट्रिंग में ये जो लास्ट का कैरेक्टर लिखते हैं यहाँ पे आप ये दे सकते हो ना इसका लेंथ का नंबर, समझ रहे हो? नहीं समझे? नहीं समझे? किया क्या ट्राई इसको? और वो कैसे किया? होमवर्क नहीं किया, सिर्फ वो प्रैक्टिस की। कितने टाइम करोगे? जस्ट शुरू कर देते। ठीक है, इसको ट्राई करो। ओके, देन वी विल डिस्कस। सेकंड चीज, मैंने ग्रुप पे कुछ टेबल्स डाले थे, वो टेबल्स हैंडी है आप लोगों के पास? ठीक है, सो मैं एक नया टेबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। दिस इज नथिंग बट माय रिटर्न का टेबल, ये वाला, ठीक है? रिटर्न का टेबल मैं एसक्यूएल में जा रहा हूँ यहाँ पे, ओपन अ न्यू क्यूरी, पेस्ट ओवर हियर, एग्जीक्यूट। ओके, जस्ट क्लोज दिस। और यहाँ पे मैंने उसको डाला कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
programs. ठीक है, मेरे पास दो टेबल है अभी, एक ऑर्डर का है एक रिटर्न का है. बेसिकली ये जो रिटर्न का टेबल है इसमें दो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है ऑर्डर आईडी, सेकंड कॉलम है रिटर्न रीजन. ये जो टेबल है रिटर्न का, ये मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सी ऑर्डर आईडी रिटर्न हुई है, और उसका एक रीजन बताया हुआ है कि किस वजह से वो ऑर्डर जो है वो रिटर्न हुआ है. ठीक है, तो अभी इस केस में फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, तो मेरा ये ऑर्डर का जो टेबल है इसमें रिटर्न रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है ना, इस टेबल में रिटर्न रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है. तो मुझे इस ऑर्डर के टेबल में से ये देखना है कि कौन सी जो ऑर्डर है वो रिटर्न हुई है और कौन सी नहीं हुई है. ठीक है, इन शॉर्ट मुझे ये देखना है कि इस ऑर्डर के टेबल में मुझे रिटर्न के जो टेबल है उसमें का जो रिटर्न रीजन का जो कॉलम है वो कॉलम मुझे यहाँ पे चाहिए, इस वाले टेबल के अंदर, ऑर्डर्स के टेबल के अंदर चाहिए. ठीक है, तो ऐसे केस में जब सिनेरियो होता है कि मुझे मल्टीपल टेबल्स मेरे पास होते हैं एंड देन मुझे दोनों को कंबाइन करके कुछ रिजल्ट निकालना होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये कस्टमर नेम है यहाँ पे, और मुझे देखना है कि इस कस्टमर ने ऑर्डर रिटर्न की है कि नहीं की है, राइट? ये कस्टमर नेम का कॉलम है अपने पास, तो मुझे देखना है कि इस कस्टमर ने ऑर्डर रिटर्न की है कि नहीं की है. इस ऑर्डर के टेबल में रिटर्न की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें ये जो रिटर्न का टेबल है इसको रेफर करना पड़ेगा, राइट? कैसे रेफर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम. यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है एंड दिस ऑर्डर टेबल कंटेन आल्सो ऑर्डर आईडी यहाँ पे. तो इस ऑर्डर आईडी को यूज करके दो टेबल्स को हम कंबाइन करेंगे, उस ऑपरेशंस को कहते हैं जॉइंस. ठीक है, उस ऑपरेशन को जॉइंस कहेंगे जब मेरे पास आउटपुट में मुझे मल्टीपल टेबल्स के कॉलम्स चाहिए होते हैं. फर्स्ट रहता है इनर जॉइन. ये इनर जॉइन क्या होता है कि इसका डेफिनेशन है कि अगर मैं ऑर्डर्स एंड रिटर्न टेबल्स को कंसिडर करता हूँ तो जो ऑर्डर्स, जो ऑर्डर आईडी इस ऑर्डर्स के टेबल में है वही ऑर्डर्स आईडी इस रिटर्न के टेबल्स में जितने होंगे वो सारे मुझे मिलेंगे. इन शॉर्ट दोनों टेबल्स का कंबाइंड डेटा मिलेगा, कॉमन डेटा मिलेगा. कॉमन डेटा इन द सेंस में क्या क्या कह रहा हूँ कि जो लेट से मैंने ऑर्डर आईडी का ऑर्डर आईडी इस ऑर्डर्स टेबल से मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो जितने ऑर्डर आईडी यहाँ पे है वो सारे के सारे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऑर्डर आईडी ऐसे भी होंगे जो रिटर्न नहीं हुए हैं ना, तो मुझे बस उतने ऑर्डर आईडी मिलेंगे जो रिटर्न के टेबल में भी है. ठीक है, कैसे करेंगे? लेट्स से ये क्या है अपना ऑर्डर्स का टेबल है ना, बराबर? फॉर्मेट समथिंग दिस. ओके, मेरे पास कितने रोज है इसमें? अगर मैं ऑर्डर आईडी को सेलेक्ट करता हूँ देन इफ आई सी 994 दिखेंगे. देखो 99995 है, राइट? एक जो है रो मेरा हेडर का है उसको इंक्लूड करके 995 अपने ऑर्डर्स के टेबल ने भी उतने ही टेबल थे या उतने ही कॉलम्स थे, राइट? तो अभी लेट्स से मुझे ऐसे देखना है कि इस ऑर्डर्स के टेबल में कितनी जो मेरी क्वांटिटी है वो रिटर्न हुई है,
जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न का जो मेरा टेबल है उसको भी लेके आते हैं अपन। VLOOKUP फंक्शन किसको पता है? यू नो? ठीक है, VLOOKUP एक्सेल में एक VLOOKUP होता है ना, कि आप एक कॉलम का रेफरेंस लेके चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर जो रो है वो फर्स्ट वाले टेबल में है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आई VLOOKUP, क्या फॉर्मूला आता है VLOOKUP का? VLOOKUP लुकअप वैल्यू क्या रहेगी? ये रहेगी, राइट? टेबल एरेज, लेट्स से दिस वन, then column index number, let's say 2 and false. राइट, इसको अगर ड्रैग किया बहुत बड़ा है, क्या है उसका शॉर्टकट, क्या है? ऐसा कुछ है ना, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पेज डाउन कुछ होता है ना, पेज डाउन का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। लेट्स सी, ठीक है, इसको ड्रैग करता हूँ, एक्सेल में मेरा इतना हैंडी नहीं है, सो इट्स व्हाई शॉर्टकट्स इतने पता नहीं होते। आप लोगों का एक्सेल किसका हुआ है? हमारा भी हुआ है। बेसिकली ये हम क्यों देख रहे हैं कि हमें ये चेक करना है कि रिटर्न्स के टेबल में हम ऑर्डर आईडी को क्रॉस चेक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर आईडी, जो रिटर्न का रीजन का जो कॉलम है ना, वो कॉलम को मुझे यहाँ पे बेसिकली देखना है हर एक ऑर्डर आईडी के सामने, इसीलिए अपन देख रहे हैं। सब है नहीं आया, ये तो कुछ है कि नहीं वैल्यू बीच में, सब लेट्स से ठीक है, फाइन, ये एक्सेल छोड़ दो, यहाँ पे टाइम जाएगा अपना, ठीक है। तो लेट्स से मैं सबसे पहले, मुझे बेसिकली आपको दिखाना था कि हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, जाने दो। लेट्स से मैं यहाँ पे सबसे पहले इनर ज्वाइन करता हूँ, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, इनर ज्वाइन, सिंटैक्स पे ध्यान दो, इनर ज्वाइंस रिटर्न्स ऑन कॉमन कॉलम कौन सा है? ऑर्डर आईडी, राइट? सो यहाँ पे मैं कंडीशन देते समय ऑर्डर्स डॉट, ऑर्डर्स मतलब टेबल का नाम, उस टेबल में का ऑर्डर आईडी इक्वल टू रिटर्न का टेबल डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है, रिटर्न स्टोर।
run this, run this. ठीक है, यहाँ पे मुझे कितने रोज मिल रहे हैं? 800 रोज मिल रहे हैं, राइट? 9994 में से 800 ही रोज मिल रहे हैं. एंड इफ आई क्रॉस चेक दिस रिटर्न का टेबल, इसमें मेरे के पास जो रोज है वो 296 है. मतलब यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है बेसिकली, इस टेबल में रिपीटेड डेटा नहीं है, सारा यूनिक ही डेटा है यहाँ पे. एंड इफ आई क्रॉस चेक दिस आउटपुट इनर जॉइन, यहाँ पे मैंने लास्ट में देख ला, यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी भी टेबल आया हुआ है, रिटर्न रीजन भी. ये जो मेरा सेकंड जो टेबल था रिटर्न्स का, उसमें से ये जो दो कॉलम है वो कॉलम यहाँ पे मुझे मिले हैं. बेसिकली उतने ही रोज मिले हैं मुझे ऑर्डर्स के टेबल में. जो ऑर्डर आईडी है जब वो इस रिटर्न के टेबल से मैच हुआ, देन उसका एसोसिएटेड जो रिटर्न रीजन है ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है. ठीक है, so for the shortcut instead of accessing all the records, what we can do, let's say मैं order ID और यहाँ पे ले रहा हूँ, then customer name. ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे specially mention करना पड़ेगा कि this order ID belongs to which table. so order का order ID चाहिए मुझे, ऑर्डर्स का ऑर्डर आईडी चाहिए, देन ऑर्डर्स के टेबल के अंदर का कस्टमर नेम चाहिए, देन मुझे रिटर्न का जो मेरा टेबल है, जैसे रिटर्न डॉट ऑर्डर आईडी एज रिटर्न ऑर्डर आईडी एंड रिटर्न डॉट रिटर्न, ऐसा ही कुछ है ना, रिटर्न रीजन. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, लेट मी, यहाँ पे देखो ये ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर नेम, ये जो तो फर्स्ट दो कॉलम है ये कॉलम आते हैं ऑर्डर्स के टेबल से, एंड रिटर्न ऑर्डर आईडी एंड रिटर्न रीजन, ये जो दो कॉलम आते हैं ये आते हैं रिटर्न्स के टेबल से. तो जब मैंने जो जॉइन कंडीशन दिया है, ये दिया है ऑर्डर आईडी का, ऑर्डर्स टेबल का ऑर्डर आईडी एंड रिटर्न टेबल का ऑर्डर आईडी, जो कॉमन कॉलम है बिटवीन दीज टू टेबल्स. तो जब ये दो, ये कंडीशन जब फुलफिल होगी कि ऑर्डर आईडी इस ऑर्डर आईडी ऑर्डर्स टेबल का इक्वल टू रिटर्न ऑर्डर आईडी, मतलब ऑर्डर आईडी रिटर्न्स के टेबल का, ये जब दोनों सेम रहेंगे देन मुझे रिटर्न रीजन मिलेगा. यहाँ पे जो जितना भी आउटपुट मिला है अपने को, जितने भी रिकॉर्ड्स मिले हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स कैसे हैं, वो आईडी मैच हुए, ऑर्डर के टेबल का ऑर्डर आईडी एंड रिटर्न के टेबल का ऑर्डर आईडी दोनों मैच होने के बाद ही आपको ये 800 रोज रिकॉर्ड यहाँ पे मिले. बेसिकली दोनों टेबल्स में जो कॉमन डेटा है वो कॉमन डेटा आपको इनर जॉइन प्रोवाइड करता है. ठीक है, समझे, ये इनर जॉइन समझे. ऑनलाइन स्टूडेंट, इनर जॉइन समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे सर. नहीं समझ लो. नहीं समझ लो. ओके, ठीक है, ठीक है, फाइन. तो लेट मी क्रिएट वन मोर टेबल्स ओवर हियर, देन वी कैन अंडरस्टैंड डीपली. Say I create this table in my query.
यहाँ पे इसको पुट कर दिया। टेबल व्हिच इज नथिंग बट सेलेक्ट ठीक है, स्क्रीन दिख रही है मेरी। अभी ये दो टेबल को कंसिडर करते हैं, छोटे टेबल। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडी है एंड यहाँ पे मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है एंड अगेन यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी है। तो मुझे अगर ये देखना है कि लेट्स से दिस अंकित, इस अंकित का डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ये मेरा फर्स्ट टेबल है। यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है ना, तो इस डिपार्टमेंट आईडी का रेफरेंस कहाँ पे है, इस डिपार्टमेंट टेबल में। दूसरा टेबल है मेरे पास, ये इसमें नहीं है वो, राइट। तो मुझे अगर देखना है कि अंकित जो बंदा है वो एम्प्लॉय, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो मुझे इस टेबल को रेफर करना पड़ेगा, राइट। सो अगर मैं ऐसे करूं, इन दोनों टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैंने डिपार्टमेंट आईडी ज्वाइन किया, कॉमन कॉलम तो यही है ना दोनों में, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, दोनों में अगर मैंने डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन किया टेबल को एंड कंडीशन दिया कि मुझे ये डिपार्टमेंट नेम चाहिए यहाँ पे, तो अंकित का डिपार्टमेंट नेम क्या आएगा, एनालिटिक्स आएगा, क्योंकि उसका 100 है, जितना 100 है वो सब एनालिटिक्स आएगा, बराबर। लेट्स से वो पुट करते हैं यहाँ पे एनालिटिक्स पुट किया मैंने। एनालिटिक्स कहाँ तक जाएगा, इस 100 तक जाएगा। देन ये 200 कहाँ पे, इस मुदित से लेके आशीष तक 200 डिपार्टमेंट आईडी है। सो ये आईटी डिपार्टमेंट इन लोगों को जाएगा, बराबर। देन दिस 300 मैचेस विद दिस एचआर, बराबर ना, देखो यार ध्यान से देखो इसमें। बट अभी ये 500 जो डिपार्टमेंट आईडी है यहाँ पे है क्या, नहीं है ना, तो इनर ज्वाइन में अपने को इतना ही आउटपुट मिलेगा। दोनों टेबल को कंबाइन करने के बाद जो कॉमन डेटा है उतना आउटपुट मिलेगा मुझे इनर ज्वाइन में। इस 500 को मैच करने के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं है, तो उसी को अगर मैंने सेम वे एसक्यूएल में वो क्यूरी अगर लिखी, लेट्स से मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय का जो मेरा टेबल है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इनर ज्वाइन मेरा डिपार्टमेंट टेबल, ये डिपार्टमेंट वाला टेबल ऑन क्या आएगा, एम्प्लॉय डॉट ये डीपीटी आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट टेबल का ये डिपार्टमेंट आईडी, यहां पे क्या है, डीपी अंडरस्कोर आईडी। एंड इफ आई रन दिस, क्या एम्प्लॉयज है क्या,
वहीं पे कुछ तो मैं गड़बड़ हुआ मी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई सर टेबल नेम चुकले इनर जॉइन चे फंक्शन ला टेबल से नाम का ये वाला लेट मी सी एम्प्लॉई से वक्त इनर जॉइन इनर जॉइन से एम्प्लॉई Let me refresh this. Deputy. Employee.dptid is equal to dpt.dpid. Barabar hai. Should run. ठीक है. So output में मुझे कितने rows मिले? 9 rows मिले, right? जो इस Excel में, इस table में जो ये 10th वाला row था, जो match नहीं हुआ ना? इस टेबल के साथ मैच नहीं हुआ इसलिए वो इनर जॉइन के आउटपुट में आया नहीं सो इन शॉर्ट इनर जॉइन क्या करता है दोनों टेबल में से जो कॉमन है उसको ही आपको आउटपुट में दिखाएगा अभी इनर जॉइन क्लियर होगा यस ओके नाउ अगर मुझे अभी देखना है नेक्स्ट जॉइन आता है लेफ्ट जॉइन अभी इस एग्जांपल को वापस मैंने लिया लेफ्ट जॉइन को तो जो टेबल में फर्स्ट देता हूं लेट्स से यहां पे लेट्स से मैं एक्सेल में यहां पे जाता हूं सो इंस्टेड ऑफ दिस इनर जॉइन यहां पे मैंने अगर लेफ्ट रख दिया ठीक है यहां पे मैंने लिख दिया लेफ्ट जॉइन इंस्टेड ऑफ इनर मैंने यहां पे लेफ्ट किया एंड इफ आई रन दिस आउटपुट में देखो क्या फर्क पड़ता है ये जो 10th वाला रिकॉर्ड है ये भी यहां पे आया जो 10th रिकॉर्ड था इनर जॉइन में वो नहीं मिला था मुझे लेकिन अभी मैंने लेफ्ट जॉइन किया तो ये 10th वाला रिकॉर्ड मिला एक्चुअली हुआ क्या इस एम्प्लॉय टेबल को मैं कंसीडर कर रहा हूं लेफ्ट टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल को मैं कंसीडर कर रहा हूं राइट टेबल तो जिस टाइम पे मैं लेफ्ट जॉइन लेता हूं तो लेफ्ट जॉइन का डेफिनेशन कहता है कि ऑल फ्रॉम लेफ्ट मैचिंग फ्रॉम राइट All from left मतलब मेरे employee table में कितने record है 10 record है तो मुझे 10 record मिलेंगे लेकिन common from right तो जितने मेरे को common मिल रहे हैं उतने तो मिलेंगे plus जो जिनकी value नहीं मिल रही है जैसे इनके लिए मुझे output में नहीं मिल रहा है तो वो मुझे मिलेगा null क्योंकि 500 जो है ये department ID present नहीं है और ना ही उसका डिपार्टमेंट नेम है तो इन दो कॉलम के लिए उसने नल आउटपुट दिया लेकिन रो आपको 10 प्रोवाइड की ये लॉजिक समझ में आ रहा है ये 10 ये जो 10 है इसका काउंटिंग कैसे होता है मतलब ये बैकएंड में कैसे रन होता है फर्स्टली क्या करेगा जैसे ये जो फर्स्ट रो है हमने जो कनेक्शन किया हुआ है इन दो टेबल्स को जॉइन डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे किया है तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट डिपार्टमेंट आईडी 100 ये जाएगा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के टेबल में यहां पे देखेगा कि 100 यहां पे है क्या तो वो मुझे देगा लेट्स से फर्स्ट रो देगा तो ये 100 इस 100 के साथ मैच हो जाएगा अगेन ये सेकंड वाला रो है ये वापस चेक करेगा कि यहां पे 100 है क्या है ना ये 100 तो इस 100 का एक रो देगा अगेन ये वाला 100 इस वाले 100 से कनेक्ट होके और एक रो देगा सिमिलरली ये 100 इस वाले 100 से कनेक्ट होके एक देगा ऐसे चार रो मिल गए मुझे 100 के अगेन ये 200 वापस इस 200 से कनेक्ट होगा 200 के कितने मिलेंगे 1 2 3 4 रो मिलेंगे 1 1 1 and 1 ठीक है इस 100 के चार 200 के चार देन ये 300 इस 300 के साथ कनेक्ट होगा तो मुझे एक रो देगा तो ये जो फर्स्टली अभी 500 तो यहां पे नहीं है तो ये जो आउटपुट मिला ये इनर जॉइन मिला कितने रिकॉर्ड 9 रिकॉर्ड मिले ये 9 रिकॉर्ड है ना मेरे काउंट 9 है जब लेफ्ट जॉइन किया तो लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड तो मतलब ये 500 भी जाएगा यहां पे चेक करेगा ठीक है वैल्यू नहीं मिला फिर भी उस 500 का एक रो मिलेगा मुझे क्योंकि मैं लेफ्ट जॉइन कर रहा हूं वो क्योंकि वो लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट है राइट टेबल में नहीं है
मुझे लेफ्ट ज्वाइन करना है तो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड लेगा, लेकिन उसको एसोसिएटेड वैल्यू नहीं मिल रही इसलिए यहाँ पे वो नल पास करेगा लेफ्ट ज्वाइन की केस में। ठीक है, पावर बी आई में अगर जिनका पावर बी आई हुआ है डी ए सेवन का, तो जो ज्वाइन की कंसेप्ट वहां पे है सेम कंसेप्ट यही है। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन क्लियर है, समझ में आया। लेफ्ट डेफिनेशन क्या बोलती है कि ऑल फ्रॉम लेफ्ट मैचिंग फ्रॉम राइट। इनर ज्वाइन क्या बोलता है, कॉमन फ्रॉम बोथ द टेबल्स। लेफ्ट ज्वाइन बोलता है ऑल फ्रॉम लेफ्ट कॉमन फ्रॉम और मैचिंग फ्रॉम राइट। जैसे ये लेफ्ट ज्वाइन है वैसे ही राइट ज्वाइन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, लेट्स से आई विल डू राइट ज्वाइन, इसको अगर राइट किया तो इस केस में एम्प्लॉय का टेबल कौन सा है, लेफ्ट वाला टेबल है ना अभी, क्योंकि वो क्यूरी में हमने पहले लिखा है इसलिए दिस कंसिडर एज ए लेफ्ट, और डिपार्टमेंट को हमने बाद में लिखा है इसलिए इसको वो कंसिडर होगा राइट टेबल। यहाँ पे मैंने राइट लिखा है तो डिपार्टमेंट का जो मेरा टेबल है इसके सारे रो आएंगे। अगर मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो आउटपुट में क्या मिला मुझे, 10 रिकॉर्ड मिले, लेकिन इस 10 के लिए लेट्स से एक्सेल में चलते हैं। अभी ये डिपार्टमेंट का जो टेबल है, अगेन ये 100 क्या करेगा, अभी इस टेबल में जाएगा क्योंकि राइट किया है ना मैंने, तो ये 100 के इसको ये 4 रिकॉर्ड मिलेंगे, इस 200 को इस 200 के 4 मिलेंगे, 300 के लिए 300 के मिलेंगे एक रिकॉर्ड, इस 400 के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड है क्या, तो ये 400 के लिए यहाँ पे सारी वैल्यूज नल आएंगी। इवन इन SQL आपने देखा तो यहाँ पे 400 है, 500 नहीं आया यहाँ पे। 500 मेरा किस टेबल में है, 500 मेरे लेफ्ट टेबल में है, तो जितने मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट है उतने ही यहाँ पे आएंगे। 400 को मैच करने के लिए कुछ यहाँ पे मिला नहीं इसलिए नल आया, लेकिन 400 आया क्योंकि मैंने राइट ज्वाइन लिया हुआ है, तो ऑल फ्रॉम राइट मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर है? यस सर। ओके, अभी लेट्स से मैंने इस पर्टिकुलर टेबल को, जैसे मैंने यहाँ पे इसको लेफ्ट लिखा मैंने, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन मैं इसका कर रहा हूँ, एंड इसका जो आउटपुट मिल रहा है अभी, फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर मैंने लेफ्ट ज्वाइन रखा लेकिन इस एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे डाला, डिपार्टमेंट की जगह पे डाला यहाँ पे, और डिपार्टमेंट को ऊपर कर दिया, और यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन है, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए आपको क्या लगता है? अभी इस केस में क्या हुआ, डिपार्टमेंट जो है वो मेरा लेफ्ट टेबल हुआ एंड एम्प्लॉय मेरा राइट टेबल हुआ, तो मैं लेफ्ट कर रहा हूं तो सारे रिकॉर्ड्स फ्रॉम क्या आएंगे, लेफ्ट से बनाएंगे, एंड मैचिंग फ्रॉम राइट आएंगे, एंड इसको मैं रन करता हूं, देन उस टाइम पे जब जो राइट ज्वाइन का आउटपुट मिला था हमें, वो हमें अभी यहां पे मिल रहा है 400 नल 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 नल। तो लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन सिमिलर ही है, आप टेबल्स की जो पोजीशन है वो पोजीशंस कैसे देते हो उस हिसाब से आप ज्वाइन डिसाइड करते हो। ठीक है, जॉइंट्स के लिए कोई थंब रूल नहीं है कि कौन सा जॉइंट्स आपको कब यूज करना है, ये टोटली डिपेंड अपॉन कि किस सिनेरियो में कि आप जॉइन यूज कर रहे हो। अगर आपको कॉमन डेटा चाहिए बोथ टेबल्स का, देन यू यूज इनर जॉइंट्स। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सिनेरियो टू सिनेरियो कि उस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए या उस सिनेरियो के लिए आपको कौन सा जॉइंट सुटेबल होगा। ऐसा कोई थंब रूल नहीं कि इस कंडीशन के लिए आपको लेफ्ट यूज करना है या राइट यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनर एंड लेफ्ट जॉइंट ये दो ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि राइट ज्वाइन करने से अच्छा मैं लेफ्ट ही ज्वाइन करता हूं लेकिन टेबल की पोजीशन में चेंज कर देता हूं मेरे हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। नाउ हाँ, अतः लेट्स से यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट ऊपर लिखा है तो ये मेरा लेफ्ट हुआ, लेफ्ट टेबल हुआ। एम्प्लॉय जो है मेरा ये राइट टेबल हुआ क्योंकि मैंने लेफ्ट ज्वाइन उसको बाद में लिखा है। अभी मैं अगर ये इनको ऊपर कर देता हूँ, अभी जैसे मैंने इसको कॉपी किया, इसको ऊपर कर लिया, यानी यहाँ पे मैंने DEPT कर दिया, तो अभी एम्प्लॉय जो मेरा है वो लेफ्ट टेबल हुआ ना,
देन वो क्या करेगा, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड लेगा, तो ये 500 भी आएगा उसमें, 400 नहीं आएगा अभी, क्योंकि मैं मैचिंग फ्रॉम राइट ले रहा हूँ, राइट में मेरा डिपार्टमेंट है, तो आउटपुट में मुझे 500 मिलेगा इस केस में, अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ तो। जैसे मैंने इसको रन किया, सी मुझे यहाँ पे 500 वाला डिपार्टमेंट आईडी मिला, जो कि मेरे लेफ्ट टेबल में था, एम्प्लॉय टेबल में। सब लोगों को क्लियर हुआ ये ज्वाइंस? तीन ज्वाइंस देखे हमने, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर, क्लियर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट ज्वाइन आता है फुल आउटर ज्वाइन। अभी ये फुल आउटर ज्वाइन क्या है, लेट मी एक्सप्लेन ओवर हियर। फुल आउटर ज्वाइन का डेफिनेशन होता है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट टेबल। अभी ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट में मेरे, मुझे इनर ज्वाइन में कितने रिकॉर्ड मिले थे, 9 रिकॉर्ड मिले थे ना, ये जो 9 रिकॉर्ड मैचिंग रिकॉर्ड मतलब मेरे इनर ज्वाइन के रिकॉर्ड थे। देन लेफ्ट टिप, लेफ्ट ज्वाइन जब मैंने किया था इस कंडीशन में, तो मुझे ये एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मिला था, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे एक ऐड हो जाता है। प्लस जब मैंने राइट ज्वाइन किया था, तो इस 400 के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मिला था, तो ये एक ऐड हो जाता है। तो मुझे आउटपुट में मिलने चाहिए 11 रिकॉर्ड्स फुल आउटर ज्वाइन में। सो फुल आउटर ज्वाइन का डेफिनेशन कहता है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट टेबल, वो सब कुछ रिकॉर्ड्स ले लेता है। let two full outer join in SQL and then you can understand. So let's say select star from employee, full outer join let's say on this department, same condition, ये जो टेबल के नाम दे रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी इस केस में ठीक है डिपार्टमेंट आईडी एंड डीपीटी आईडी ये दो अलग अलग नेम है, लेकिन वो डिपार्टमेंट आईडी है। बट अगर मैंने ऑर्डर्स और रिटर्न का टेबल कंसिडरेशन किया, तो वहां पे कॉलम का नाम सेम ही है, तो क्यूरी को पता नहीं चलता कि आप कौन से कॉलम का रेफरेंस उसको दे रहे हो, रिटर्न के टेबल का दे रहे हो या ऑर्डर्स के टेबल का दे रहे हो। इसीलिए एलियासेस या ये जो टेबल के नाम हम कॉलम्स के आगे पुट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने इसको रन किया तो सी ये जो फर्स्ट 9 रिकॉर्ड है ये मेरे इनर ज्वाइन का आउटपुट था, देन लेकिन ये 10th वाला जो है 500 ये लेफ्ट टेबल का जो बचा हुआ रिकॉर्ड था, एंड ये लास्ट वाला 11वां जो है वो राइट टेबल का बचा हुआ रिकॉर्ड था। तो इन शॉर्ट बोथ द टेबल्स के अंदर के सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास है यहाँ पे फुल आउटर में, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं देखू कि फुल आउटर का आउटपुट क्या निकला, इनर ज्वाइन प्लस जो रोज मेरे लेफ्ट टेबल में बचे थे वो, प्लस जो रोज मेरे राइट टेबल में बचे थे, समझे कि नहीं समझे? बोलो, इनर ज्वाइन समझे, अब सॉरी फुल आउटर ज्वाइन समझे? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को फुल आउटर ज्वाइन समझा? यस सर। सब लोगों को समझा ना पक्का? यस सर। इंपॉर्टेंट है हां, ज्वाइंस के ऊपर ही आपको आगे क्यूरीज लिखनी पड़ेंगी, सो ज्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके। अभी समझा नहीं है तो अभी पूछो, अभी टाइम है, हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट ज्वाइन आता है मेरा, चार ज्वाइन तो मैंने देख लिए, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। चारों का डेफिनेशन क्या रहेगा, इनर ज्वाइन का डेफिनेशन क्या है, कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। लेफ्ट टेबल का या लेफ्ट ज्वाइन का जो मेरा डेफिनेशन क्या रहेगा कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। सेम वे राइट ज्वाइन का डेफिनेशन रहेगा ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल। एंड फुल आउटर का डेफिनेशन रहेगा ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। इनर ज्वाइन में क्या है, मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑल द टेबल्स। फुल आउटर में क्या है, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स।
क्लियर है? ओके ग्रेट. सो नेक्स्ट ज्वाइन आता है, लेट्स से क्रॉस ज्वाइन. सो क्रॉस ज्वाइन क्या होता है कि लेट्स से अगर मैंने क्रॉस ज्वाइन किया तो जितने लेट्स से मेरे फर्स्ट वाले टेबल में 10 रिकॉर्ड है यहाँ पे, एंड सेकंड वाले टेबल में है मेरे पास 4 रिकॉर्ड, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 रिकॉर्ड्स मुझे मिलेंगे क्रॉस ज्वाइन में. क्रॉस ज्वाइन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ द टेबल्स. हाँ ऋषिकेश. यस यस ऋषिकेश. सॉरी सर चुकून झालं. ओके ठीक है. सो मैं अगर क्रॉस ज्वाइन की बात कर रहा हूं तो क्रॉस ज्वाइन का जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट क्या आता है, हमेशा आपके पास फर्स्ट टेबल में जितने रोज है, जैसे मेरे पास 10 रोज है यहाँ पे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय सेकंड टेबल में कितने रोज है 4, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40. इंटरव्यू में कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे फर्स्ट टेबल में लेट्स से 5 रिकॉर्ड्स है, सेकंड टेबल में मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, सो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर क्रॉस ज्वाइन, कितने रिकॉर्ड्स मुझे मिलेंगे. सो आपको क्या करना है उस टाइम पे, मल्टीप्लीकेशन करना है नंबर ऑफ रोज का, दोनों टेबल्स के रोज का मल्टीप्लीकेशन ही क्रॉस ज्वाइन का आउटपुट होता है. आपको वो लिखने के लिए नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे बताओ क्रॉस ज्वाइन की 40-50 रोज लिख के बताओ, नहीं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही पूछते हैं हमेशा. एक एग्जाम्पल देंगे, लेट्स से भी अच्छा हुआ एग्जाम्पल से याद आया, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे, ठीक है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं अपन कि कितना अंडरस्टैंड आप लोगों को हुआ है. तो यहाँ पे लेट्स से मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको, तो मेरा ये लेट्स से टेबल वन है, टेबल वन है एंड ये है टेबल टू. टेबल वन में लेट्स से मेरे पास एक कॉलम है आईडी का, सेकंड कॉलम भी आईडी का ही है. यहाँ पे मेरे पास है 1 0 1 1 और मे बी 2 एंड लेट्स से नल. ठीक है, सेकंड में मेरे पास है यहाँ पे 1 2 3 नल. ठीक है, इसमें कितने रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड्स है. इसमें कितने रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड्स है. नल आल्सो कंसीडर एज अ रिकॉर्ड. ठीक है, तो इसका क्रॉस ज्वाइन का आउटपुट क्या रहेगा, अगर मैं क्रॉस ज्वाइन करूं इन दोनों में, इसमें 5 है इसमें 4 है, तो क्रॉस का आउटपुट रहेगा 20 रोज मिलेंगे मुझे. मैं इसका अगर इनर ज्वाइन करूं तो कितने आउटपुट मिलेंगे, इन दो टेबल्स को मैं अगर इनर ज्वाइन करता हूं 4. इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं. ये इनर ज्वाइन में मुझे कितने रोज मिलेंगे, चलो काउंट करते हैं. ये 1 जो है, ये 1 किसके साथ मैच होगा इस टेबल में, 1 के साथ. एक रिकॉर्ड होगा प्लस. ये 0 किसके साथ मैच होगा, नहीं है, अगेन 1 इस 1 के साथ मैच होगा, तो 1 रिकॉर्ड आया प्लस. ये 2 किसके साथ मैच हुआ, इस 2 के साथ मैच हुआ, देन 1 रिकॉर्ड आया. ये नल इस नल के साथ मैच होगा क्या, नल के साथ कभी मैच नहीं होता. ये नल का मतलब होता है कि वहां पे कोई वैल्यू नहीं है या कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो दो नल कभी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते. सो आपका जो इनर ज्वाइन होगा उसमें आपको 3 रो मिलेंगे. 3 रो कैसे मिले, ये 1 इस 1 से मैच हुआ, ये 1 इस 1 से मैच हुआ, एंड देन दिस 2 मैचिंग दिस 2. क्लियर है, इनर ज्वाइन समझ में आया सभी को, ऑनलाइन स्टूडेंट. ये ऐसा, ये जो मैंने टेबल आपको दिया है, सेम टेबल में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे कि ऐसे रोज देंगे, आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताने होते हैं कि बताओ इनर ज्वाइन में कितने रिकॉर्ड मिलेंगे, राइट ज्वाइन में कितने रिकॉर्ड मिलेंगे,
सेम आपको ऐसे ही पूछेंगे क्वेश्चंस, इससे ही आप उनको पता चलेगा कि जॉइंस की कंसेप्ट आपको कितनी क्लियर है। कोई क्यूरी लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको क्यूरी लिखने के लिए नहीं बोलेंगे कि बताओ क्रॉस जॉइन की क्यूरी क्या होगी। ठीक है, इनर जॉइन सबको समझा, ये तीन रिकॉर्ड कैसे मिले। ऑनलाइन स्टूडेंट आपकी तरफ से कुछ आवाज नहीं आ रही है, सबको समझ में आ रहा है ना ये तीन आउटपुट कैसे मिला। ओके ठीक है, देन अगर मैं इसका लेफ्ट ज्वाइन करूं, लेफ्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल बराबर एंड मैचिंग फ्रॉम राइट टेबल। तो मैचिंग मेरे पास कितने रिकॉर्ड है, इनर ज्वाइन हमने निकाला है ना ऑलरेडी, ये तीन रिकॉर्ड तो मिलने ही वाले हैं मुझे मैचिंग वाले। बचे हुए अनमैच कितने हैं, यहाँ पे मैच कौन सा नहीं हुआ, ये जीरो मैच नहीं हुआ ना एंड ये नल मैच नहीं हुआ, दो रिकॉर्ड सही है। तो 3+2 कितने रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड्स। कैसे आए समझ में आया कि नहीं समझे, लेट से वापिस से करते। लेफ्ट जॉइन में ये 1 किससे मैच होगा, 1 से मैच हुआ, 1 रिकॉर्ड मिला, लेट से इक्वल टू 1 प्लस, ये 0 मैच हो रहा है क्या, पहले इनर जॉइन निकाल लेते हैं, देन ये 1 इस 1 से मैच हुआ, उसका 1 रिकॉर्ड मिला मुझे, देन ये जो 2 है मेरा, ये 2 इस 2 से मैच हुआ, तो बेसिकली ये इनर जॉइन मुझे मिला पहले। देन ये 0 लेफ्ट जॉइन है तो सारे रिकॉर्ड्स तो आने वाले लेफ्ट के टेबल से, मैचिंग वाले तो हो गए 1, 1 एंड 2, बचे कितने, ये 0 एक बचा, ये एक नल बचा, तो इन तीनों के 2 रिकॉर्ड यहाँ पे प्लस 2, टोटल 5 रिकॉर्ड्स इन लेफ्ट जॉइन। क्लियर है, अगर मैं राइट जॉइन बोलू इस टेबल को कंसिडरेशन में लू तो कितने रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए, Y3। मैं राइट जॉइन बोल रहा हूं ना तो ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट आएंगे ना, सबसे पहले इनर में कितने मिले थे, 3 मिले थे ना। मैं इनर जॉइन इस टेबल का इसके साथ करूं या इस टेबल का इसके साथ करूं, कॉमन तो मुझे 3 ही मिलने वाले हैं ना, तो सपोज मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया जो मुझे इनर जॉइन में मिलने वाले थे। अभी यहाँ पे बचे हुए कितने रोज है, ये 1 मैच हुआ, 2 मैच हुआ, ये 3 भी मैच नहीं हुआ ना, और ये नल, तो 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पे अनमैच है ना, तो यहाँ पे 2, राइट में भी 5 रिकॉर्ड मिलेंगे आपको। क्लियर है, यानी अगर मैंने फुल आउटर किया, फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन का क्या मतलब होता है, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स, इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ये 3 राइट, ये 3 रिकॉर्ड मुझे इनर जॉइन देगा, यहाँ पे कितने अनमैच थे, 2 रिकॉर्ड अनमैच है ना, तो ये 2 मिलेंगे, राइट में कितने अनमैच थे, 2, तो प्लस 2 और मिलेंगे, टोटल 7 रिकॉर्ड मिलेंगे फुल आउटर में। क्लियर है या सर के ऊपर से गया, ये समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट, इस ये समझ में आया क्या, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे टेबल बनाओ एक्सेल में और उसकी प्रैक्टिस करो, नहीं तो क्रिएट स्टेटमेंट आपको पता है, ये वैल्यूज पुट करके क्रिएट स्टेटमेंट करके टेबल बनाओ एक एक सिंगल कॉलम का, और देन पहले आप पेपर पे निकालो कि हाँ मैं अगर इनर ज्वाइन करूंगा तो ऐसे आउटपुट निकलेगा। 4 टेबल है तो आउटपुट निकालने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि 1000 ऐसे, जैसे मुझे अगर 3 रो लिखने हैं तो 3 रो लिखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेपर पे पहले सॉल्व कर लो कि इन 2 टेबल को जब आप ज्वाइन करते हो तो दिमाग में आपके कौन से नंबर आते हैं, आउटपुट क्या होगा, देन क्यूरी रन करके चेक करो कि जो आपने आउटपुट निकाला वो सही है क्या, तभी ज्वाइंस का जो कंसेप्ट है वो आपका एकदम क्लियर होगा। ज्वाइन पढ़ के देख के एकदम इजी लगता है, वो हम इमेजिन नहीं कर पाते कि वो टेबल जब इस टेबल से मैच होगा तो आउटपुट में क्या निकलेगा।
ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़ा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। ये इंटरव्यू में अगर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए देन एसक्यूएल में आप वो इंटरव्यू छोड़ ही दो फिर, ठीक है। जॉइंट्स एसक्यूएल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मल्टीपल टेबल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए जॉइंट्स के ऊपर खासकर फोकस होता है इंटरव्यू में। जॉइंट्स के ऊपर आपको 110% क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है? फुल आउटर जॉइंट तक क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। हम क्रॉस जॉइंट पे थे, क्रॉस जॉइंट में अगर मेरे पास 10 कॉलम एक टेबल, 10 रोज एक टेबल में है, 4 रोज नेक्स्ट टेबल में है, देन आउटपुट विल बी 40 रिकॉर्ड्स। सो इसको लिखते कैसे है, इट्स अ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट सॉरी क्रॉस जॉइन डीपीटी। इसमें ऑन कंडीशन नहीं होती आगे, बाकी सारे जॉइंट्स में हम ऑन कंडीशन देते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम्स के ऊपर मुझे जॉइंट्स दो, लेकिन क्रॉस जॉइन में हम देते नहीं है। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें हर एक जो रिकॉर्ड है, लेट्स से अगर मैं एक्सेल में जाऊं तो ये जो 20 आया था मेरा, ये 20 कैसे आया था, ये जो 1 है ये 1 इन चारों के साथ मैच करेगा तो 4 रिकॉर्ड देगा। ये 1 इसके साथ मैच होगा, ये 1 इसके साथ मैच होगा, अगेन ये 1 इस 3 के साथ भी मैच होगा एंड नल के साथ भी, तो इस रिकॉर्ड के लिए 4 रिकॉर्ड मिलेंगे। 0 के लिए अगेन 4, 1 के लिए अगेन 4, 2 के लिए अगेन 4 एंड नल के लिए भी 4, ऐसे 20 रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर SQL में जाऊं यहां पे, दिस क्यूरी को मैं अगर रन करूं, कितने रोज मिले मुझे यहां पे, 40 रोज मिले ना, यहां पे देखो कोने में 40 रोज दिख रहा है। इसको अगर मैंने देखा तो ये क्या हो रहा है, देखो 1 जो है डिपार्टमेंट में मेरा एनालिटिक्स जो टेबल था ना, जैसे लेट्स से मैं एक्सेल में गया यहाँ पे शीट 1 पे, ये जो 1 है इसमें 10 रिकॉर्ड है ना, ये तो ये 10 रिकॉर्ड इस 100 के साथ पहले कंबाइन होंगे। आउटपुट चेक करो एक बार, ये देखो ये फर्स्ट 10 रिकॉर्ड जो है उनके लिए एनालिटिक्स 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 है, देन वापिस से 10 रिकॉर्ड्स के लिए आईटी है, वापिस से 10 रिकॉर्ड के लिए एचआर है, एंड बाकी के बचे हुए 10 रिकॉर्ड के लिए टेक्सटाइल ये है, राइट। क्रॉस जॉइन कैसे वर्क हो रहा है समझ में आया? इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्रॉस जॉइन अगर पूछा आपने तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोलना ही पड़ेगा। आउटपुट ऑफ क्रॉस जॉइन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। कभी कभी थोड़ा टेक्निकल वर्ड भी हमको बोलना पड़ता है इंटरव्यू में, आप ऐसे एकदम से एक्सप्लेन नहीं करोगे कि इसमें 10 रोज हो तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे एक्सप्लेन मत करो। पूछा सवाल तो बोलो कि क्रॉस जॉइन का आउटपुट एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उनको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा, उनको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कोई जरूरत नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इतना वर्ड बोला देन दे विल अंडरस्टैंड कि आपको क्रॉस जॉइन पता है, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके ग्रेट। आप सब समझ जाते हो फटाफट, अभी ऐसे ही फटाफट क्यूरी करना, ठीक है, ओके। नाउ अभी यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, जैसे मेरे पास ये, जैसे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एंड मेरे पास ये एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। अभी मुझे ऐसे देखना है कि अंकित जो बंदा है एम्प्लॉय, उसका मैनेजर कौन है। मेरे पास यहाँ पे मैनेजर आईडी भी है ना, तो मुझे देखना है कि अंकित का मैनेजर कौन है, कौन हो सकता है अंकित का मैनेजर, कौन है, राइट। ये जो रोहित है इसका आईडी क्या है, 4 है ना, ये इस 4 से मैच करेगा, मतलब अंकित का जो मैनेजर है ये रोहित है। सेम वे मोहित जो है बंदा, उसका मैनेजर कौन है, मुदित है, क्योंकि उसका आईडी 5 है। तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में ऐसे चाहिए, यहाँ पे एक कॉलम चाहिए मैनेजर का नाम एंड
उस मैनेजर का नाम, जैसे चार यहाँ पे, तो यहाँ पे रोहित आना चाहिए, पांच है तो मुदित आना चाहिए, ऐसे आउटपुट में चाहिए। इस केस में मेरे पास कोई दूसरा टेबल है क्या? ऐसा कोई टेबल है क्या कि जिसमें मैनेजर लिखा हुआ है एंड मैनेजर का टेबल मैं वहां से रेफर कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। इसी टेबल, देन उस केस में मुझे इसी टेबल के साथ ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है? मैं इस टेबल को उसके साथ ही ज्वाइन कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। एक टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करना, ठीक है? तो सेल्फ ज्वाइन करेंगे कैसे, कैसे करेंगे बताओ मुझे। सिंटैक्स को कुछ लिखना पड़ेगा ना, सिंटैक्स आपको पता नहीं होगा, अभी तक तो सिखाया नहीं सर, बोले सिखाते भी नहीं और पूछते कैसे बताएं हम लोग, ठीक है? तो सेल्फ ज्वाइन मुझे करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिफोर सेल्फ ज्वाइन, ये पहले जान लो कि यहाँ पे मैंने ये ज्वाइंस के सामने ये जो एम्प्लॉय का फुल नेम लिखा है यहाँ पे, तो ये लिखना बड़ा दिक्कत वाला काम है ना, कि हर टाइम मुझे कॉलम्स लेने हो या ज्वाइंस कंडीशन डालनी हो तो मुझे उस टेबल का पूरा नाम लिखना पड़ रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेट से मैं इस क्यूरी को, लेफ्ट ज्वाइन की क्यूरी को कॉपी कर रहा हूँ एंड उसी के नीचे सिंप्लीफाइड वे में हम वो क्यूरी लिख रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसके आगे स्पेस देके मैं ई लिख रहा हूँ, एंड आउटर ज्वाइन या लेट से दिस फुल आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट जो है इसके आगे मैं लिख रहा हूँ डी। इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय का जो टेबल है उसको मैं ई नाम दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट का जो टेबल है उसको मैं डी नाम दे रहा हूँ। देन यहाँ पे कंडीशन पे मुझे ये पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, इसके अलावा मैं बस ई लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी मुझे डिपार्टमेंट जो है पूरा नाम इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं डी लिख सकता हूँ, ठीक है? देन इसको मैंने रन किया, देन ऑल्सो इट विल वर्क प्रॉपरली। इस चीज को बोलते हैं एलियासिस बोलते हैं। एलियास मतलब हम एक टेम्पररी नाम दे रहे हैं उस टेबल को, क्योंकि हो सकता है कि ये जो क्यूरी है ये क्यूरी अभी छोटी हो, लेकिन कुछ बड़ी क्यूरीज होती है तो वहां पे आपको मल्टीपल टेबल्स की रेफरेंस देने पड़ते हैं, आपको मल्टीपल जॉइंट्स एक ही क्यूरी में लेफ्ट इनर आउटर सब जॉइंट कंबाइन करके आउटपुट निकालना पड़ता है कभी कभी, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा टेबल का रेफरेंस कहाँ पे दिया हुआ है। इसीलिए टेबल्स को एलियासेस देना एक गुड कंसेप्ट है, एक अच्छी बात होती है, प्रैक्टिस गुड प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं। आपकी क्यूरी जो होती है वो सिंप्लीफाइड हो जाती है और समझने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो जाती है, क्योंकि जो कोड आप लिखते हो वो कोड पे तो आप लाइफ टाइम उस कंपनी के साथ तो नहीं रहोगे, एक बार आपने वो कोड बना दिया और बाद में सपोज कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ आपकी जगह पे या आपका काम उसको हैंड ओवर हो, तो उसको वो कोड समझ में भी आना चाहिए कि आपने क्या क्यूरी रन की थी, ठीक है? तो इसलिए क्यूरी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमको एलियासेस देने पड़ते हैं, एलियासेस के साथ साथ हमें कमेंट्स भी डालने पड़ते हैं कि इस दिस पर्टिकुलर क्यूरी को हमने क्यों किया है, तो डबल ऐसे जैसे मैं स्लैश करके यहाँ पे ऐसे कुछ भी कमेंट्स डालता हूँ कि पर्टिकुलर वो जो मैंने लिया हुआ है वो कहाँ से रेफरेंस लिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड गुड प्रैक्टिस, ठीक है? बट सब लोग वो फॉलो करेंगे ऐसी जरूरी नहीं है, बट एलियासेस देना जरूरी होता है हमें क्यूरी में। अगेन यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार कर रहा हूँ तो मैं सारे कॉलम्स लेके आ रहा हूँ एम्प्लॉय टेबल्स के, अगर मुझे बस पर्टिकुलर कॉलम ही लेके आने, जैसे मुझे एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम ही चाहिए, देन ऑल्सो मुझे यहाँ पे टेबल के नाम की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ ई डॉट, जैसे ई एम पी नेम कहाँ पे है, इस एम्प्लॉय के टेबल में, सॉरी ई एम पी नेम, राइट? अगर मैंने इसको ही किया रन तो क्या आउटपुट आएगा, एक ही रो आएगा ना, एक ही कॉलम आएगा एम्प्लॉय नेम का, क्योंकि मैंने उतना ही कॉल किया है, सेलेक्ट के अंदर उतना ही है बस। मेरा कहने का मुद्दा क्या कि मैं यहाँ पे ई डॉट कर रहा हूँ, मुझे ई डॉट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल से मुझे ये एम्प्लॉय नेम का एम्प्लॉय के टेबल से चाहिए था, डिपार्टमेंट के टेबल से नहीं चाहिए था। डिपार्टमेंट के टेबल से अगर कोई कॉलम चाहिए था देन कॉमा करके मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, जैसे डी डॉट मुझे डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, देन आउटपुट में क्या आएगा, डिपार्टमेंट नाम भी आएगा, अंकित का डिपार्टमेंट कौन सा है, मोहित का कौन सा है,
बट ये दो कॉलम जो है वो दो कॉलम अलग अलग टेबल से आए हुए हैं, समझ रहे हो ये? क्लियर है ना? एलियासेस क्लियर है कि एलियास हम कहां पे देते हैं? उस टेबल के बाद स्पेस देके। टेबल के नाम आप कहां पे लिखते हैं? फर्स्ट, जो सेलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है वहां पे आपका फर्स्ट टेबल होता है ज्वाइन में। देन आप ज्वाइन को मेंशन करते हो कौन सा ज्वाइन आपको करना है, लेफ्ट, फुल, क्रॉस, व्हाटएवर। देन आप सेकंड टेबल का नाम यहां पे लिखते हो एंड इसके बाद आप एलियास देते हो कि इस पर्टिकुलर टेबल को मैं डी कहूंगा एंड कंडीशन में फिर आप ई एंड डी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एलियास समझ में आया? ठीक है, एक काम करते हैं, सेल्फ ज्वाइन अपन कर लेंगे, बहुत हेवी हो जाएगा। ओके, जो जॉइंट्स पढ़े मैंने पढ़ाए हैं उन जॉइंट्स को एक बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन स्टूडेंट, जॉइंट्स की प्रॉपरली प्रैक्टिस करो। जो असाइनमेंट दिया हुआ है, सेकेंड असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है, असाइनमेंट्स को प्रॉपरली खुद से ट्राई करो। मैं मोस्टली कल इवनिंग को मैं सोल्यूशन डाल दूंगा उसका, सेकेंड असाइनमेंट का। ठीक है, बट फर्स्टली यू ट्राई। ओके, कल क्लास नहीं रहेगा, मंडे को हम मिलेंगे। यू हैव टू डेज, असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, सेकेंड असाइनमेंट एटलीस्ट ट्राई करो उसको कंप्लीशन का। कुछ जो भी क्वेश्चन आते हैं मंडे को हम लेक्चर स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन ले लेंगे कि एक 10 मिनट कि कुछ क्यूरी है आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, सेकेंड असाइनमेंट में जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया नहीं तो भी चलेगा, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। वो दिया इसलिए था कि आप थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग उस पर करो, बट जरूरी नहीं कि आप उसको अटेम्प्ट करो, बट बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो प्रॉपरली। जितना हमने पढ़ाया है, लिया है क्लास में, उसके बेसिस पे आप वो सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट वेट, हाँ जाओ मत कोई, जस्ट गिव मी, मुझे अटेंडेंस लेने दो। ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करो। ओके, प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो फिर मिलते हैं अपन मंडे को। ओके, चलो बाय बाय, हैप्पी वीकेंड। हैप्पी नहीं है वीकेंड? अच्छा, स्टडी लिया इसलिए? पाइथन का, पाइथन का कपिल सर से पूछो ना, कपिल सर डेटा लिस्ट का दे रहा है, वो देगा तो आपको किस चीज का चाहिए? एप्लीकेशन का चाहिए ना, डेटा लिस्ट यूज करके। ती लावतात ते मॅडम, लावतात प्रेझेंटेशन फक्त ऑनलाईन ची त्यांना भेटत नाही म्हणून ते माझ्याकडनं घेतात। हो चलेगा, चलेगा।